हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रेड का उपमा बनाएंगे, तो चलिए ब्रेड उपमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पे हम तवा चढ़ाएंगे। इस पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, आप घी भी डाल सकते हैं। तो बटर को हम फैला लेंगे। इस पे हम ब्रेड डालेंगे। ब्रेड को हम हल्का सा सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस हल्का सा हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने अभी इस पे 3 ब्रेड डाला है, ऊपर से भी हम हल्का बटर लगा देंगे। हल्का से इसे हम प्रेस करते हुए इसे हम पलट लेंगे। तो इसी तरह हम पलटते हुए ब्रेड को सेक लेंगे। तो ब्रेड दोनों तरफ से सिक गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड को सेक लिया है। अब हम ब्रेड को कट करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे 2 ब्रेड को कट कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेंगे। देखिए, इसे मैंने कट कर लिया है। इसी तरह हम बाकी के 2 ब्रेड को भी काट लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी ब्रेड को काट लिया है। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच हम राई डालेंगे, 1 छोटी चम्मच चना दाल, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल डालेंगे। इसे हम हल्का चटकने देंगे। तो ये चटक गया है। अब इसमें हम 5 से 6 कड़ी पत्ते डाल देंगे, 1 बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया है, प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम कुछ सेकेंड के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम 1 चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम हल्का गलने तक पका लेंगे। टमाटर हल्का पक चुका है। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए इसे हम पका लेंगे। इसे मैंने कुछ सेकंड के लिए पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। नींबू के जगह पर आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ ब्रेड डाल देंगे, ब्रेड को भी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ब्रेड जो है मसालों को अच्छी तरह से लपेट ले। इसमें गैस को हम बंद कर देंगे, धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस पे 1 तड़का पैन रखा है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे, घी को पिघलने देंगे। तो घी मेल्ट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा काजू डाल देंगे, काजू को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस हल्का सा। तो देखिए, काजू रोस्ट हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और काजू को निकाल लेंगे। यहाँ मैंने ब्रेड उपमा को 1 प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम काजू डाल देंगे। काजू ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ जाता है और देखने में भी ये अच्छा लगता है।
थोड़ा सा हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे जो देखने में ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो ब्रेड उपमा बनकर तैयार हो गया है। ब्रेड उपमा झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।